जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2019 से टॉप 25 पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख पुरस्कार जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन परीक्षाओं में इन पुरस्कारों से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और एक दो नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों, एक पहल ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। हम इन प्रश्नों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, जो भी ट्रिक निकलेगी उसके माध्यम से हम आपको याद करवाएंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, पीडीएफ आदि सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रियदर्शन को। अब एक चीज बताना है आप कि किशोर जो होते हैं, आजकल के जो किशोर होते हैं, मम्मी पापा के अलावा जो है प्रिय के दर्शन करना बहुत पसंद करते हैं। अपनी अपनी जो प्रिय होते हैं उनके दर्शन करना पसंद करते हैं। तो जो किशोर हैं वो अपने प्रिय के दर्शन करना पसंद करते हैं, इसलिए जो किशोर कुमार सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? प्रियदर्शन को। इस प्रकार से हमें याद करना है। हाल ही में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है मार्गरेट एडवुड को, बर्नार्डिन एवरेस्टो और मार्गरेट एडवुड को दिया गया है। तो एक चीज आपको बताना है कि जो बुकर पुरस्कार है ये इन दोनों को दिया गया है। तो दोस्तों, इसको कैसे याद रखना है? देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुकर बुकर करते हैं, बुकर बुकर करते ना, ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, अपन बोलते ना बुकर बुकर मत कर, तो बुकर बुकर करते हैं। तो जो बुकर बुकर करते हैं उन्हें हमें एवरेस्ट का मार्ग दिखा देना है, एवरेस्ट का, जाओ एवरेस्ट। तो एवरेस्टो और मार्गरेट को मिला है बुकर पुरस्कार। इस प्रकार से हमें याद करना है, सिर्फ याद करने का ये तरीका है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपको बताना है तो किसे मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है, है ना, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर, ठीक है। एस्थर डुप्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है और माइकल क्रेमर को, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्य किया है इन्होंने, उसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इनसे पूछेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है तो जी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी जीता है। तो अभिजीत बनर्जी, प्रमुख अभिजीत बनर्जी आपको याद रखना है, माइकल क्रेमर और एस्थर डुप्लो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जो थी बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री। तो अगर हम इन्हें कहें कि ये चंडी थी या दुर्गा थी या दुर्गा के समान थी, तो इंदिरा गांधी चंडी के समान थी, चंडी। तो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया जाएगा कि किसी और को दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? अब याद रखना है आपको नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये दिया गया इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। दोस्तों, याद रखना है आप हमें, कैसे रखना है? अब आप बताना कि जिस व्यक्ति को अहम आ गया तो उसे अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है, तो वो कैसा कार्य करने लगता है? वो उल्टे सीधे कार्य करने लगता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि शांति बना के रख, शांति बना के रख। तो अहमद अली को दिया जाएगा शांति का पुरस्कार, ठीक है। अहम आ जाए व्यक्ति को तो शांति का पुरस्कार दे दो। तो हमने सिर्फ याद करने की यहाँ ट्रिक निकाली है, ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अभी अहमद अली, जो भी ट्रिक होगी दोस्तों उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ याद करना है। हाल ही में किसे एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है रमेश पांडे को, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, ठीक है, याद रखना है रमेश पांडे जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई खेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान द डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये ऑस्ट्रेलियाई खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, व्यक्तिगत सम्मान है, ठीक है। तो ये दिया गया है एसले बार्टी को। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को द डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो वो क्या करेगा? एस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। और फिर जब डॉन पुरस्कार मिलेगा तो उसके बाद क्या करेगा? पार्टी करेगा। पार्टी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो एस ले पार्टी, ले बेटा एस कर और पार्टी कर। तो एस ले पार्टी को ये पुरस्कार दिया गया है।
ऐसे हमें याद रखना है। हाल ही में किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो भी 2018 का। अब आपको नहीं लगता कि ये 2018 ओल्ड हो गया है? इसलिए 2018 ओल्ड हो गया है, और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है तो ओल्ड हो गया, तो ओल्गा, ओल्गा को, ओल्ड से ओल्गा टोकारजुक को, है ना, टोकारजुक को इसमें टोका लगा दिया गया था। जो 2018 का नोबेल पुरस्कार है वो 2018 में ना देकर 19 में दिया गया, क्योंकि 2018 में टोका लगा दिया गया तो टोकारजुक को दिया गया। ठीक है, याद रखना, हाल ही में किसी साहित्य नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है, तो ये दिया गया है पीटर हैंडके को। अब एक चीज बताना दोस्तों, 2019 में जो साहित्य का नोबेल दिया जाएगा तो वो लेखक के लिए दिया जाएगा किसी। अब लेखक क्या करेगा, कोई भी बुक लिखेगा, अगर कोई भी बुक लिखेगा तो अपने हैंड से लिखेगा ना, तो किसी हैंड के को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कि पेंसिल के को, नहीं, हैंड के। तो पीटर हैंड के को ये दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019, याद रखना है हमें ऐसे। हाल ही में रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज से किसे सम्मानित किया गया? करेज, करेज से क्या बनेगा, करेजा, करेजा जानते ना, तो नासा के एस्ट्रोनॉट निक हैग को। अब एक चीज बताना दोस्तों कि किसी किसी के तो करेजा निकल जाता है, करेजा निकल जाता है, किसी किसी का करेजा हैग हो जाता है, हो जाता कि नहीं, तो ऑर्डर ऑफ करेज कैसे दिया जाएगा, करेज निकल जाता है तो निक, और हैग हो जाता है तो हैग, तो निक हैग को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ करेज, रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ करेज, और ये निक हैग को दिया गया है। हाल ही में केरल की किस शॉर्ट फिल्म ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट फिल्म ने जीता है तो स्पिरिट ऑफ केरल। अब केरल की ने जीता है तो केरल तो जरूर आएगा, स्पिरिट ऑफ केरल। ठीक है, और नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स मतलब फिजिकली। अब एक बात बताना कि जो लोग क्या करते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, पीते हैं, और जब पीते हैं ये लोग तो क्या होता है, इनका शरीर नष्ट हो जाता है, ये नशे में हो जाते हैं, इसलिए पीना से क्या हो जाएगा, पीबल्स, और क्वेलोस से क्या हो जाएगा, कोलेज करो, तो आपकी क्या बन जाएंगी, मसल्स बन जाएंगी, आप हेल्थी हो जाओगे। तो पीबल्स, क्लोज करो तो मसल्स बन जाएंगी। तो फिजिक्स का जो नोबेल दिया जाएगा वो दिया जाएगा पीबल्स, क्लोज, क्वेलोज और मिशेल मेयर को। ठीक है, ये तीन को दिया जाएगा, तो हमें ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री मतलब रसायन। अब रसायन विज्ञान का दिया गया है तो गुड एनअप, बेटिंगम और यासिनो। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने चेहरे में, चेहरे को साइन लाने के लिए, उसे गुड बनाने के लिए क्या क्या लगाते हैं, रसायन लगाते हैं, केमिस्ट लगाते हैं, लगाते हैं, तो क्या बनाने के लिए, गुड बनाने के लिए, उसे वाइट बनाने के लिए और साइन लाने के लिए, तो यासिनो, यासिनो, बेटिंगम और गुड एन अप को एक केमिस्ट्री का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे हमें सारे के सारे नोबेल याद रखना है। हाल ही में कैसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो है पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, तो किसे दिया गया है दोस्तों, विलियम जी कैलेन, ग्रीग एल सेमेंजा और सर पीटर जे रेड क्लिफ। अब फिजिक्स मेडिसिन की बात होती है तो आपको क्या करवाना है, चिकित्सा करवाना है। चिकित्सा क्यों करवाना है, क्योंकि आपको क्या ने, किसने काट दिया है, बिल्ली ने, बिल्ली ने काट दिया है। समझ जाओ कि अब हमें क्या करवाना है, रेड क्लिफ मतलब रेड क्रॉस जो होता है ना, ऐसा वाला, वहां जाना है मेडिसिन करवाने के लिए। तो बिल्ली ने आपको काटा है, समझ जाओ कि अब रेड क्लिफ मतलब यहाँ मेडिसिन जाना है। तो विलियम जी कैलेन, ग्रीगेल सेमेंजा, सर पीटर जे रेड क्लिफ को ये चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2019 का। अगला प्रश्न, हाल ही में एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमपी बिरला। अब दोस्तों एक चीज बताना कि बिरला क्यों आया यहां, बिरला इसलिए आया कि आपको महेंद्र नाम के मिल जाएंगे, सुमित नाम के मिल जाएंगे, और भी सचिन नाम के मिल जाएंगे, लेकिन थानू नाम के बहुत ही कम मिलेंगे, बिरले लोग मिलेंगे, इसलिए बिरला मेमोरियल अवार्ड किसे दिया जाएगा, थानू पद्मनाभन को, याद रखना है हमें इस प्रकार से। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों आपने देखा होगा कि पर्यटन जो बनते हैं, पर्यटन क्षेत्र, यहाँ का जो है तापमान कम होता है कि नहीं होता, कम होता है पर्यटन क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष लगाए जाते हैं और वृक्षों के कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है, इसलिए राष्ट्रीय जो पर्यटन पुरस्कार दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, तपन कुमार को, क्योंकि पर्यटन का जो ताप होता है
वो कम हो जाता तो तपन कुमार मिश्रा को पर्यटन पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग जुड़ते रहें और डेली करंट अफेयर्स मैं अपलोड करता हूं ट्रिक के माध्यम से, सारा का सारा याद करवाता हूं, और अगर आपका कमेंट आया तो पूरा जीके भी मैं इसी तरह से आपको याद करवा दूंगा, वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपका कमेंट और हमारा वीडियो बनाना यही रहेगा। तो हाल ही में किसे स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन साहब भी इसमें क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि एक होता है तेंदू का पत्ता, काय का पत्ता, तेंदू का पत्ता जिससे बनाई जाती है बीड़ी, और जो लोग बीड़ी पीते हैं तो क्या रहेगी, स्वच्छता रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए तेंदुलकर ने कहा कि तेंदू का पत्ता छोड़ो और स्वच्छता को अपनाओ। तो स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड किसे बनाया जाएगा, सचिन तेंदुलकर साहब को। तो इस प्रकार से आपको देखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वो बनी है पायल जांगड़। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो महिलाएं होती हैं अपनी जो पायल होती हैं वो बार बार चेंज करती हैं कि नहीं करती, करती हैं। तो चेंज मेकर जो अवार्ड दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, पायल जांगड़ को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सही बताना कमेंट के माध्यम से, दिया जाएगा क्योंकि जो पायल हैं वो चेंज करती हैं, तो चेंज मेकर अवार्ड दिया जाएगा पायल जांगड़ को, राजस्थान से संबंधित हैं, याद रखो। हाल ही में किसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया ग्लोबल गोलकीपर 2019 से, तो ये दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब एक चीज बताना दोस्तों कि दादा साहेब पुरस्कार, हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड स्टार हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो दादा हो गए हैं वो कौन हो गए, अमिताभ बच्चन जी, अब दादा लगने लगे हैं तो इन्हें दादा साहब पुरस्कार दे दिया गया कि अब तो आप दादा हो गए, अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, अब एक चीज बताना दोस्तों, इतने सारे अवार्ड हमने पढ़ लिए हैं, एजुकेशन से संबंधित ये अवार्ड हैं, मतलब ये सारे के सारे अवार्ड हमारी परीक्षाओं या एजुकेशन से संबंधित हैं जो परीक्षाओं में आएंगे। अब ये इस प्रकार के जो एजुकेशन हमने करवाया है आपको, इसमें आपको आनंद आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया होगा क्योंकि एजुकेशन एक्सीलेंट जो अवार्ड दिया गया है वो आनंद कुमार को आया है, और जब लोग एजुकेशन करते हैं मन से तो उन्हें आनंद आता है, तो आनंद कुमार को ये एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ऐसे याद रखना है, भूलना नहीं है। हाल ही में आगा खान वस्तुकला पुरस्कार किस देश की स्कूल परियोजना को दिया गया है, आगा खान वस्तुकला, जी हाँ दोस्तों। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो आग होती है वो कहाँ लगती है, आग कहाँ लगती है, बंगला में लगती है कि नहीं लगती, लगती है बंगला में। तो ये आगा खान पुरस्कार किसे दिया जाएगा, बांग्लादेश को दिया जाएगा कि चाइना को दिया जाएगा, बांग्लादेश को, क्योंकि आग बंगलई में ही लगती है तो बांग्लादेश को दिया जाएगा ये आगा खान वस्तुकला पुरस्कार, याद रखो। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन में आईटी एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है, तो आपदा प्रबंधन में जीता है। अब एक चीज बताना दोस्तों, आपदा प्रबंधन मतलब जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं वो आपदा प्रबंधन से संबंधित होते हैं। अब कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ कृत्रिम आपदाएं होती हैं, लेकिन हम बात करें कि यहां से अगर कोई बाढ़ आती है इस नदी में, ठीक है, यहां लोग फंस गए हैं तो आप क्या करोगे, यहां से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और यहाँ के जो व्यक्ति हैं इनको उठाकर लाएगा, लाएगा तो आपदा प्रबंधन में हम क्या करते हैं, उड़ के जाते हैं। तो आपदा प्रबंधन में आईटी एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिलेगा, उड़ीसा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि गुजरात को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन में आपने देखा होगा कि हमारे सैनिक उड़ के जाते हैं और उठा के लाते हैं, उनको उनकी मदद करते हैं, तो आपदा प्रबंधन में उड़ीसा, ऐसे याद करते जाना है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने आशा भोसले को मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? दोस्तों आपने सम्मान देखे होंगे, विभिन्न प्रकार के जो सम्मान किए जाते हैं उनमें क्या करते हैं, साल उड़ाते हैं, जिसका सम्मान किया जाता है उसमें साल जरूर उड़ाते हैं, तो आशा भोसले को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसलिए इन्हें साल उड़ाई गई। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी, सालफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन्हें साल उड़ाई गई, सम्मानित किया गया, तो सालवर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया, किसे, आशा भोसले को। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि हम
सिर्फ आपके लिए मेहनत करती हैं और जीके को इसी तरह से पूरा का पूरा याद करवाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कितना जीके याद हो गया है। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना और लाइक अवश्य करना। दोस्तों, हाल ही में प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अब क्रिकेट की बात हो रही तो क्रिकेट में आपने देखे होंगे विभिन्न नाम आते हैं, गुगली आते हैं, स्टोक आते हैं, शॉर्ट पिच आते हैं, सारे के सारे नाम आते हैं। तो क्रिकेटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया जाएगा वो भी इसी से संबंधित होगा, बेन स्टोक्स को। बोलते ना कि लंबा स्टोक्स मारा, लंबा स्टोक्स मारा ऐसे। तो एक क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स। और क्रिकेट में ज़्यादा बैन भी लगाया जाता है, इस खिलाड़ी पे बैन लगा दिया, उस पे लगा दिया। तो क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द जो है ईयर स्टोक्स को दिया गया, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान द डॉन से, तो डॉन को तो हमने पढ़ ही लिया है, एसले पार्टी, क्योंकि पार्टी दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने टॉप 20, जो वर्ष 2019 के टॉप 25 जो पुरस्कार थे, जो परीक्षाओं में निश्चित ही आएंगे, ये तो गारंटी है कि इनमें से हर परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। तो ये चीज आपको रट गई कि नहीं रट गई, कमेंट में जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ से हमारा आत्म जो सम्मान है और हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ेगा। और आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी करंट अफेयर, जितने भी जीके से संबंधित, हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो होंगे, बहुत अच्छे से ट्रिकी माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे प्रोत्साहन के लिए दो शब्द आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप IAS स्टडी ट्रिक से जरूर जुड़ना है, फेसबुक पेज से जुड़ना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से और एक प्रयास किया गया, एक छोटा सा प्रयास किया गया है। दोस्तों, कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।